हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। मिले सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए फेसबुक एड्स कोर्स के लेसन 58 में और आज हम बात करने वाले हाउ टू जनरेट लीड्स ऑन व्हाट्सएप इन फेसबुक एड्स, यानी कि कैसे हम जनरेट कर सकते हैं लीड्स को वो भी फेसबुक एड्स के थ्रू, जिससे कि हमारे व्हाट्सएप पे आसानी से ऑडियंस जो है इजीली तरीके से सर्विसेज और प्रोडक्ट का यूज कर सके। तो आज इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो समझते हैं फर्स्टली कुछ की पॉइंट से। तो आज हमारा पूरा फोकस वो यही रहेगा कि हाउ टू जनरेट लीड्स ऑन व्हाट्सएप इन फेसबुक एड्स, यानी कि फेसबुक एड्स की हेल्प से हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के लिए, ताकि हम इजीली तरीके से व्हाट्सएप पे ही अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में लोगों को बता सकें और अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकें। तो चलिए इसके बारे में आपको मैं कई बार बता भी देता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप फेसबुक को ओपन करते हो या इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार का एड्स दिखाई देता है, जिसमें दिया रहता है सेंड मैसेज और यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे एक आइकॉन बना हुआ होता है और यहाँ पे एक व्हाट्सएप बटन नहीं होती है। जैसे आप इस प्रकार के स्पॉन्सरशिप वाले एडवर्टाइजिंग देखते हो, जैसे इस पे क्लिक करते हो तो इस प्रकार से एक न्यू पेज यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपके द्वारा दिए गए जो भी आप कुछ करते हो या जो भी चीज आप परचेस करना चाहते हो, इस प्रकार से ऑर्डर जो है आपका परचेस हो जाता है। फिर इसके बाद उधर से कॉल आता है या फिर उधर से मैसेज आता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरा सेटअप जो है हम एक व्हाट्सएप पे अपने लीड को जनरेट करने के लिए यहाँ पे फेसबुक एड्स की हेल्प ली जाती है। तो चलिए आज के बारे में हम कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड, जैसे हम आ गए हैं हमारे facebook.com पे, यानी कि हम अपनी डमी आईडी ओपन करते हैं सोमारे के नाम से और यहाँ पे आपको कम्प्लीटली बताने वाले हैं कि कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के लिए वो भी फेसबुक एड्स की हेल्प से। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस प्रकार से हमारा फेसबुक पेज ओपन हो जाता है। इस प्रकार से सभी चीजें स्पॉन्सरशिप वाली चीजें और बहुत सी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देने लगती। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एड्स मैनेजर से। तो चलिए एड्स मैनेजर को ओपन करते हैं कुछ न्यू टैब से और जैसे हम न्यू टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू टैब के हिसाब से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें एड्स मैनेजर हमें बताएगा कि कौन कौन से अभी तक आपने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट की है या फिर कौन सी एडवर्टाइजिंग आपने स्टार्ट नहीं की है। यानी कि यहाँ पे कम्प्लीटली एनालिटिक्स या फिर हम बोल सकते हैं कि कम्प्लीटली एनालिसिस करने के लिए हमें यहाँ पे चीजें मिल जाती है, ताकि हमें बता देता है कि हम कौन से कैंपेन रन कर चुके हैं, कौन से एडसेट हमने यूज करें और कौन से एड्स हमारे पब्लिश हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रिव्यू एंड पब्लिश के ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि अभी तक जितने भी हमने इस डमी आईडी से जो भी एडवर्टाइजिंग बनाई है वो यहाँ पे पूरी तरीके से एड्स मैनेजर जो है हमें शो करता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि हमने पहले वाली वीडियोस में बनाया था न्यू ट्रैफिक कैंपेन, जिसको हमने ड्राफ्ट में डाल दिया, जो ऑलरेडी हमने उसे पूरी कंप्लीटली कवर किया है। इसी के साथ ही हमने टीएमडी ट्रैफिक कैंपेन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन, ऐसे बहुत से कैंपेन्स बना के देखे। बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हाउ टू लीड जनरेट ऑन व्हाट्सएप इन फेसबुक एड्स, यानी कि कैसे हम फेसबुक एड्स की हेल्प से व्हाट्सएप पर अपनी लीड को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि अपने पोर्टल सर्चेस को सेल आउट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं क्रिएट करेंगे। जैसे हम क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक लाना, यानी कि हमारी ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट होगी तो हम इजीली तरीके से अपने पोर्टल सर्विसेज के बारे में लोगों को बता सकेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे कंसिडरेशन में ट्रैफिक पे क्लिक कर देंगे और जैसे हम ट्रैफिक पे क्लिक करने के बाद इसे कंटिन्यू कर देते हैं। हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं तो यहाँ पे एक न्यू तरीका पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें कुछ डिटेल जो है फिल करनी होगी, जिसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें कैंपेन नेम से लेके और स्पेशल एड कैटेगरीज और बहुत सी चीजें जो है यहाँ पे फिल आउट करनी होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें हमारा कैंपेन नेम जो है यहाँ पे लिखना होगा, तो हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं लीड जनरेट ऑन व्हाट्सएप। हमने यहाँ पे लिख दिया लीड जनरेट ऑन व्हाट्सएप और इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसी के साथ ही हमने कंप्लीटली लिख लिया लीड जनरेट ऑन व्हाट्सएप। इसके साथ ही आप देख सकते हो, और आपका एडवर्टाइजिंग जो एड है या आप किसी एजेंसी के थ्रू चलाना चाहते हो और वो स्पेशल कैटेगरी की एजेंसी है, तो आप यहाँ पे जाके कैटेगरी फिल आउट कर सकते हो, जैसे क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या फिर सोशल इशू जैसे कि इलेक्शन या पॉलिटिक्स वगैरह आते हैं, तो ये स्पेशल एड कैटेगरीज में आते हैं। तो हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि अगर हमारा स्पेशल एड कैटेगरीज होगा तो हम इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये चारों ही ऑप्शन अलग होते हैं। जैसे कि क्रेडिट की बात की जाए तो एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड ऑफर,
और व्हीकल लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रेडिट से रिलेटेड हम चीजें एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम इस टॉपिक को हम क्लियरली बता सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो एडवर्टाइजिंग है वो स्पेशल कैटेगरी का, यानी कि क्रेडिट से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड का ऑफर से रिलेटेड है, या फिर फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या लोन के हिसाब से हम यहाँ पे ऑफरिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ये होता है कि एड्स फॉर जॉब ऑफर, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। यानी कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आप एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक स्पेशल कैटेगरीज में डाल सकते हो, जैसे कि आपका जो एड्स है वो चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग हो रही है वो ऑफर कर रहे हो, आप जॉब के लिए लोगों को ऑफर कर रहे हो, तो आप इसमें अपनी एडवर्टाइजिंग जो है एम्प्लॉयमेंट में स्पेशल कैटेगरीज में लिख डाल सकते हो। इसी के साथ ही अगर इंटर्नशिप आप करवा रही हो आपकी कंपनी, या एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आपकी कंपनी के थ्रू चल रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अदर अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो हाउसिंग से रिलेटेड, यानी कि एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मोर्टेज और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपका जो एड है स्पेशल कैटेगरीज का है और वो हाउसिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लिस्टेड कर रहा है या लोगों को होम इंश्योरेंस रिलेटेड लोगों को बता रहा है या मोर्टेज कर रहा है, तो उस हिसाब से आप स्पेशल कैटेगरीज में हाउसिंग को क्लिक कर सकते हो। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो सोशल इश्यू और इलेक्शन से आप समझ ही गए, जो आजकल सोशल इश्यू चल रहे हैं उससे रिलेटेड आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, या फिर आप पॉलिटिशियंस के लिए कर रहे हो, इलेक्शन के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे आप स्पेशल एड कैटेगरीज को चूज कर सकते हो। बट आपका एड इन चारों ही कैटेगरी से बाहर है तो आप स्पेशल एड कैटेगरीज को बाहर कर सकते हो। तो जैसे कि हम स्पेशल एड कैटेगरी को छोड़ देते हैं, और एबी टेस्टिंग जो है ये भी डिफरेंट इमेजेस के लिए होती है, टेक्स ऑडियंस के लिए होती है, जहाँ पे हमें बहुत से यानी कि बहुत सी चीजें जो है वन परफॉर्मेंस पे हमें दिख जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एबी टेस्टिंग जो है फेसबुक एल्गोरिथम यहाँ पे वर्क करते हैं। बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की, जिससे मैं हर वीडियोज में आपसे बोलता हूँ कि आपको हमेशा अपना कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है ऑन करके रखना है। जैसे आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करके रखोगे तो आपके पास हमेशा जो भी आपका बजट है उस हिसाब से ही फेसबुक एल्गोरिथम जो है आपके बजट के हिसाब से एडवर्टाइजिंग लोगों को दिखाते हैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों तक पहुंचा देते हैं, तो कहीं ना कहीं कम बजट में एक अच्छा काम आपका यहाँ पे हो जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि हमने स्पेशल एड कैटेगरीज बात की थी कि हम उसे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं, और यहाँ पे हमने जैसे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करा है तो यहाँ पे दो चीजें हमारे सामने ओपन हो जाती है, और दो चीजें होती है कैंपेन बजट और इसके बाद होता है कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। तो पहले हम बात करते हैं कैंपेन बजट का। जब भी बात आती है बजट की, जब भी हम कुछ भी चीजें खरीदारी करते हैं या एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमारा कैंपेन का बजट होना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि हम चाहते हैं हमारा डेली का बजट जो है वो 400 के अप्रोक्स हो, या हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और हम इसे चाहते हैं 550 रुपीज का हमारा डेली का बजट होना चाहिए। इसी के साथ ही बिड स्ट्रेटेजी जो है जिसको भी चेंज कर सकते हो, वी हैव अ रीनेम अवर बिड स्ट्रेटेजी ऑप्शंस टू easier to understand the compare, यानी कि कहीं ना कहीं आप bid strategy का use करोगे तो वो option में आपको understand हो जाएंगे, उसके algorithm जो होंगे Facebook के वो आसानी से compare कर लेंगे और आपके हिसाब से एक बड़ी advertising जो है कम पैसे में ज्यादा ज्यादा लोगों तक दिखा देगा। तो कहीं ना कहीं budget optimization जो है हमारे लिए बहुत helpful होता है। इसी तरीके से campaign bid strategy का use करते हैं, यहाँ पे हमने देखा हुआ कि यहाँ पे highest volume पे है, तो जैसे कि आप changes भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि highest volume, यानी कि कहीं ना कहीं get the result, get the most रिजल्ट फॉर योर बजट, यानी कि आपके बजट के हिसाब से ज्यादा ज्यादा रिजल्ट आए, या फिर आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है एम फॉर अ सर्टन कॉस्ट पर रिजल्ट फील अ मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो एम है वो कॉस्ट पर रिजल्ट पे आए जबकि वो मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट आए, यानी कि कहीं ना कहीं इसका मेन मकसद यही है कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यानी कि जो पैसे लगाएं उस हिसाब से ही रिजल्ट गोल आए। और इसी की तरह अगर अदर ऑप्शन बोलते हैं तो आप अपना बिड कैप भी लगा सकते हो, जो हमने ऑलरेडी और भी बहुत सी वीडियोज में आपको बताया है, तो आप सेट कर सकते हो कि आप कितनी बिड स्ट्रेटेजी का अपना चाहते हो, ऑप्शन चाहते हो, तो ये सभी चीजें आप इजिली तरीके से कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट, यानी कि कहीं ना कहीं हम जैसे करेंगे तो हमें इसे रिसेट करना होता है। तो आप देख पा रहे हो कि कॉस्ट पर रिजल्ट सेट जो है हमारा गोल सेट हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमने जितने पैसे लगाए उस हिसाब से हमारा रिजल्ट का गोल जो है पूरा हो जाए। इसी के साथ ही हम सो मोर ऑप्शन में जाके देख लेते हैं, यहाँ पे जो है एक बढ़िया ऑप्शन जो हमें फेसबुक के थ्रू मिल जाता है वो है एड शेड्यूलिंग। कहीं ना कहीं जब भी बात आती है एड शेड्यूलिंग की तो आप देख पा रहे होगे कि हम बढ़िया तरीके से शेड्यूल करके आसानी से अपनी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहते हो कि अगर आप कोई फेसबुक एडवर्टाइजिंग में ही अपने ऑफर्स देते हो लोगों को और आप चाहते हो लिमिटेड टाइम पीरियड के हिसाब से हो, तो आप एड शेड्यूल का भी ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हो। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हम न्यू एड सेट में। हम जैसे एड सेट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सी चीजें
चीजें जो है फिल करनी होती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे न्यू ट्रैफिक एंड साइट का नेम दिया गया है, आप इसी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे आसानी से एक बार फिर से क्लिक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि न्यू ट्रैफिक एंड साइट पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है फिल करनी होती है, जिससे कि हम आसानी से फेसबुक एड्स का यूज करके व्हाट्सएप पर लीड जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे हम एड सेट नेम जो है हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं लीड जनरेट ऑन व्हाट्सएप। और आप देख पा रहे हो हमने जैसे कि हमारा सेट नेम जो है हमने यहाँ पे लिख दिया और ऑडियंस डेफिनेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है इंस्ट्रूमेंट डिलीजेंट। और आपको यहाँ पे मेन चीज याद रखना है, जब भी ट्रैफिक से रिलेटेड आप जब भी यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव कैंपेन का चूज कर लिया तो आपको यहाँ पे चूज करना होता है वेयर वांट टू चूज ड्राइव ट्रैफिक यू विल एंटर मोर डिटेल्स अबाउट द डेस्टिनेशन लीडर। यानी कि कहीं ना कहीं आप ट्रैफिक तो लाना चाहते हो बट किस साइट यानी किस पोजिशन पे लाना चाहते हो या फिर किस कौन से प्लेसेस पर या कौन से डेस्टिनेशन पर आप अपना ट्रैफिक लाना चाहते हो। यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिए गए साइट ऐप मैसेंजर और व्हाट्सएप। तो हमारा जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट्सएप, यानी कि हम चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर ट्रैफिक आए। तो इसी तरीके से आप आसानी से ट्रैफिक लाने के लिए व्हाट्सएप का यूज कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है व्हेन समवन क्लिक्स योर एड, यानी कि कोई भी आपके एड पर क्लिक करेगा अ मैसेज थ्रेड विथ योर बिजनेस विल ओपन इन व्हाट्सएप, यानी कि जो मैसेज है वो आपके बिजनेस व्हाट्सएप पर आ जाएगा। योर एड विल बी शो टू पीपल, यानी कि आपका जो एड है वो लोगों के पास शो होने लगेगा। हु आर लाइकली टू मैसेज यू इन व्हाट्सएप, यानी कि ज्यादा ज्यादा लोग आपके व्हाट्सएप पर मैसेज प्राप्त करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे पेज भी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, हमें जैसे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर दिया इस प्रकार से हमारा व्हाट्सएप तो कंप्लीट हो गया है बट हमारे यहाँ पे दो पेज हैं, जो दो पेजेस में से कुछ एक पेज जो होगा हमें सिलेक्ट करना होता है। तो हम चाहते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग तो स्टार्ट हो बट कौन से पेज से हो, तो हम चाहते हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो हमने इसके बारे में पेज के बारे में कंप्लीट डिटेल बताई थी उसके बारे में हो। जिसे हम पेज पे क्लिक करते हैं यहाँ पे कनेक्ट व्हाट्सएप का एक नंबर आता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा अपना यहाँ पे नंबर हमें डालना होता है। तो चलिए हम इस नंबर को डाल देते हैं, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमने हमारा यहाँ कॉन्टैक्ट कनेक्ट व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाल दिया और इसी तरीके से हमारा जो व्हाट्सएप है वो कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक कोड आता है, आपको हमसे ध्यान रखना जब भी आप व्हाट्सएप के लिए मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको व्हाट्सएप जो है फेसबुक के पेज से कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जैसे कि आपका व्हाट्सएप नंबर फिर उसके बाद कोड यहाँ पे मांगा जाता है। और जैसे कि हमारा कोड यहाँ पे आ चुका हो, यहाँ पे अपना कोड डाल देते हैं और इसके साथ ही हम यहाँ से कंफर्म कर देते हैं। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप जो है पेज व्हाट्सएप पेज जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा और कोई भी ऑडियंस जब भी हमारे फेसबुक बिजनेस पर आएगा तो इजीली तरीके से हमारे व्हाट्सएप पे आसानी से मैसेज कर सकेगा और हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकेगा और साथ साथ वहाँ पे भी बाय सेल कर सकेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा पूरा पेज जो है व्हाट्सएप का कंप्लीट हो चुका है और आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो जैसे कि हमने बजट शेड्यूल जो है फिक्स कर ही लिया है। तो मैंने जैसे आपको शेड्यूल के बारे में बताया था, हम चाहते हैं हमारा जो बजट जो शेड्यूल है हम चाहते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग जो है 20 तारीख से हो और हम जो टाइमिंग है हम उससे चाहते हैं कि हमारी जो टाइमिंग है वो थोड़ी चेंजेस हो। तो हम उससे चाहते हैं 5 बजे हमारी कैंपेन जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए और हम चाहते हैं एंड जो है ऑप्शनल में होता है, आप चाहें तो इसको एंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये आपके हाथ में होता है। आप चाहते हो कि आप कुछ ऑफर्स यहाँ पे लोगों को देना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो डेट एंड टाइम। तो हमने यहाँ पे 31 मार्च कर दिया है, इसी के साथ ही हमने टाइम भी यहाँ पे 5 बजे तक का कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं हमने हमारी एंड डेट भी यानी बजट के हिसाब से हमारा शेड्यूल भी हमने फिक्स कर दिया है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम चीजें करते हैं तो हमें बहुत सी चीजें का फायदा भी मिल जाता है। और आप देख पाते हो कि हम इससे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें सोमोर ऑप्शन में हम क्लिक करके जान सकते हैं। तो हम एड सेट स्पेंड लिमिट्स में हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितने पैसे जो है हमारे यहाँ पे खर्च होने चाहिए। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे एड सेट स्पेंड लिमिट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली मिनिमम हमारा कितना खर्च होना चाहिए, यानी कि जैसे हमने 550 का हमने डेली बजट लगाया था बट हम चाहते हैं कि डेली कम से कम हमारा जो पैसे हैं वो 500 रुपीज खर्च होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे लिख देते हैं 550 रुपीज। तो देखते हैं कि फेसबुक कैसे बता देता है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बता रहा है कि रोंग, यानी कि आपको जो आपका डेली लिमिट है वो लेस देन आपके 90% कैंपेन के स्पेंड लिमिट से कम होना चाहिए और लोअर योर डेली मिनिमम स्पेंड लिमिट्स, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यहाँ थोड़ा चेंजेस करना होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं 400 रुपीज और यहाँ पे लिख देते हैं 500।
तो आप देख पा रहे हो इस प्रकार से हमने यहाँ पे चीजें चेंजेस कर दी और अप्लाई कर दिया मल्टीपल स्पेंड लिमिट्स में इफेक्ट परफॉर्मेंस, यानी कि आपको अप्लाई करना होता है जिसमें आप मल्टीपल तरीके से पैसे खर्च कर सकते हो जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत असर हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो हमारी ऑडियंस डेफिनेशंस को, हमारा ऑडियंस साइज जो है आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी लाखों या करोड़ों में बता रहा है। अब इसके बाद ही हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे हम धीरे धीरे और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करते जाएंगे। अब बात आती है ऑडियंस की, यानी कि कहीं ना कहीं जब आप पूरी तरीके से एक बड़ी एडवर्टाइजिंग के लिए अपना बजट शेड्यूल पूरा सेट कर देते हो और साथ साथ अपने कॉल टू एक्शन वाली बटन भी आप लगा देते हो, बट अब बात आती है ऑडियंस की, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए हमें वो लोगों को डिफाइन करना होता है जो हमारे एडवर्टाइजिंग को खरीदना चाहते हैं, हम जो एडवर्टाइजिंग लगा रहे हैं उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम क्रिएट ए न्यू ऑडियंस कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोकेशन की बात करें तो हम चाहते हैं ओवरऑल इंडिया में ही हमारी लोकेशन या एडवर्टाइजिंग हमारी चलती रहे, हम चाहते हैं कुछ स्टेट में तो हम प्रॉपर स्टेट का भी नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पूरी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, आप चाहे तो जब भी आप एडवर्टाइजिंग क्रिएट करें तो आपके अकॉर्डिंग आप इजिली तरीके से यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आप चाहते हो आपका एज बाउंड जो है वो इजिली 18 to 65 लोगों तक ही, 65 प्लस तक के ही लोगों को यहाँ पे एडवर्टाइजिंग दिखाई दे। जेंडर जो है हमारा ऑल जेंडर के हिसाब से ही हो। इसी तरीके से टारगेटिंग जो यहाँ पे बोला गया है, वी विल यूज योर वॉर्डर ऑडियंस व्हेन यू आर यूज द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव विद व्हाट्सएप, यानी कि हम आपके वॉर्डर ऑडियंस के साथ ही यूज करेंगे ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव जो आपका व्हाट्सएप है, दैट लेट्स अवर सिस्टम एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटी टू शो योर एड्स, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो एक्सप्लोर करेगा आपको ज्यादा ज्यादा यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटीज देगा आपके एड्स के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग से रिलेटेड हमें यहाँ पे टिप्स भी मिल जाती है। इसी के बाद आता है एक ऑप्शन जिसमें हमें ध्यान रखना होता है लैंग्वेज, आपको हमें ध्यान रखना आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस वो लैंग्वेजेस पे हो तो आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पे मेंशन करनी होती है। जैसे सपोज कीजिए हम कोई सा कोर्स सेल आउट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी, इसी के साथ ही हम लैंग्वेज हिंदी लिख देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हम एक और कोर्स जो है वो इंग्लिश में भी है तो हम उसे आसानी से लिख सकते हैं और हम यहाँ पे इंग्लिश लिख देते हैं यूएस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है, इसी तरीके से हमारा ऑडियंस डेफिनेशन बेस जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आप देख पा रहे हो इस प्रकार से एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट भी जो है यहाँ पे शो होने लगता है। हम जैसे धीरे स्क्रॉल करेंगे और भी चीज जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, वो जैसे ही हम यहाँ पे पूरी चीजें करते हैं तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, सेव दिस ऑडियंस। जिसे हम सेव दिस ऑडियंस करते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमारा ऑडियंस नेम बताता है कि हमको हमारा नेम, इसके साथ हमारी लोकेशन, एज, फिर लैंग्वेजेस और इसी के साथ डिटेल टारगेटिंग जो एक्सपेंसेस जो हमने ऑफ कर दिया है तो हम इसे चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसे सेव कर देते हैं। इसके बाद हम जैसे इसे सेव कर देते हैं फिर हम नीचे बात करने वाले हैं यहाँ पे दिया गया ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए न्यू होता है तो हम चाहे तो ये अभी ऑप्शन बंद है, बट अब बात करते हैं कोस्ट पर रिजल्ट गोल जो है हमारा वो 400 के अप्रोक्स यहाँ पर आ गया है, तो हम इसी तरीके से मिनिमम जो रिजल्ट है शो कर सकते हैं। तो आप पूरी चीजें लीड जनरेट ऑन व्हाट्सएप की पूरी समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं जो लास्ट ऑप्शन है, इसको बड़े तरीके से एडवर्टाइजिंग करने के लिए ये एक लास्ट वर्क होता है जिसे हम अच्छी तरीके से कम्प्लीटली करना चाहिए। तो आप देख पा रहे कि हमें क्या बनाना चाहिए, क्राउजल एड बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें रिकमेंडेड करवा रहा फेसबुक एल्गोरिथम, बोल रहा है कि आप अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्राउजल एड्स का ही यूज करना चाहिए। तो चलिए हम क्राउजल एड्स का भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हमारे एड्स नेम को, जैसे कि हमारा न्यू ट्रैफिक एड जो है हम चाहे तो इसे चेंजेस कर सकते हैं ताकि हमें इजीली तरीके से याद रहेगा। तो हम चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं लीड जनरेट इसी के साथ ही हमने नेम मेंशन कर दिया हमारा फेसबुक पेज जो हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है, सिलेक्ट अ पेज एड्स ऑफ सेट लेवल्स फॉर दिस एड, यानी कि आपको हमेशा पेज सिलेक्ट करना ही होता है तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पेज हमने सिलेक्ट कर लिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। अगर नहीं करा है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। इसी के साथ ही आपका फेसबुक पेज जो है मैं आपको हर बार बता चुका हूँ कि इंस्टाग्राम से हमेशा कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है मेटा के थ्रू वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम अकाउंट जो है हमारा इससे एड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कनेक्ट अकाउंट कर सकते हो, यहाँ पे पॉपअप ऑप्शन खुलेगा, इसमें आप अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो भी आपने इंस्टाग्राम पर बनाई है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हो और इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे होगे कि फेसबुक के थ्रू ये बढ़िया वर्क हमारा यहाँ पे हो जाता है। इसी के साथ ही हम एड सेटअप कर सकते हैं, क्रिएट एड चाहते हैं या फिर यूज एग्जिटिंग पोस्ट। तो हम जैसे यूज एग्जिटिंग पोस्ट में जाके देखते हैं तो कुछ अलग चीजें यहाँ पे आती है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एड प्रीव्यू हम जैसे उसे ऑन कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे दिखने लगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जैसे कि हमें बोला गया हमें क्रिएट करनी चाहिए वीडियो यूजिंग इमेज के साथ, यानी कि वीडियो इमेजेस दोनों का हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यूज एग्जिटिंग पोस्ट करेंगे या फिर हम क्रिएट एड करते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक एडवर्टाइजिंग का एड बना रहे हैं तो हम यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से मैनुअल
अपलोड कर सकते हैं। और जैसे मैनुअल अपलोड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ पे एक इमेजेस का भी यूज करना होता है। तो जैसे कि हम फॉर्मेट अगर यूज करें तो हम सिंगल इमेज और वीडियो भी यूज कर सकते हैं या फिर क्राउजल का भी यूज कर सकते हैं। क्राउजल में कम से कम आपको दो से ज्यादा फोटोज या फिर पोस्टर्स होनी चाहिए। इसी के साथ ही हमने सिंगल और इमेजेस वीडियो को भी कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि ऐड ऑब्जेक्टिव, ऐड क्रिएटिव पे हम देख सकते हैं, हमें सिलेक्ट मीडिया पे हमें टेक्स्ट और कंटेस्टिनेशन, ये सभी चीजें हमारे एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। हमें कस्टमाइज करना होगा मीडिया को, टेक्स्ट को प्लेसमेंट कर सके अलग चीजों से, तो हम कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे मीडिया जो हमें सिलेक्ट करनी होगी और एक बढ़िया तरीके से एक अच्छा पोस्टर जो है यहाँ पे लगाना होगा ताकि लोगों को हमारे एडवर्टाइजिंग के बारे में समझ में आए। तो जैसे कि हम यूज करते हैं हमारा पुराना ही वाला और हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा जो कंटेंट, हम जो चाहते हैं हमारा कोर्स सेल आउट करना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओरिजिनल रिकमेंडेड, आपको बता रहा होगा। आप सिलेक्ट कर सकते हो मीडिया क्रॉप फॉर प्लेसमेंट, यानी कि कौन कौन से मीडिया पे आप क्रॉप भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टोरी रील्स में जो है यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, आप ओरिजिनल कर लोगे तो यहाँ पे जो है रिजल्ट जो है यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं 9:1 रेशो यानी कि रेशो के हिसाब से आपके पोस्ट जरूर होनी चाहिए। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहे हमारी फेसबुक एडवर्टाइजिंग की वीडियोज की सीरीज में आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने आपको इजीली तरीके बताया है कि कैसे डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से हमें रेशो के हिसाब से पोस्ट बनानी होती है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हो सर्च रिजल्ट के इंस्टेंट आर्टिकल्स में हमारा जो है बहुत सी चीजें जो है हाइड हो गई हैं। इसी के साथ ही ओरिजिनल जो है पूरी तरीके से दिख रहा है। इसी के साथ ही आप क्रॉप भी कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन भी देख सकते हो, आप अलाउ कर सकते हो एनहेंसमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं चीजें जो है इमेज ब्राइट कॉन्ट्रास्ट वेरी सेफ रेशो, यानी कि रेशो भी बहुत जरूरी होता है जो एक बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि ओरिजिनल अगर हम रेशो वन करेंगे तो इसमें नहीं होगा, बट अगर हम इसमें ओरिजिनल करते हैं तो देखो इस प्रकार से चीजें जो है सही तरीके से दिख रही है। हम चाहे तो इसे पूरी तरह से क्रॉप भी कर सकते हैं, बट इसकी बात करें तो ये नहीं होगा क्योंकि का रेशो जो है 9:16 है। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं और भी चीजें हम समझ सकते हैं कि तो देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें सिलेक्ट मीडिया क्रॉप जो है वो बढ़िया तरीके से एक अच्छी पोस्ट बना के सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि एडवर्टाइजिंग देने करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हम यहाँ पे डन कर देते हैं, एक बढ़िया तरीके से हमारी एडवर्टाइजिंग जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए पूरी तरीके से डन हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से हमारी एडवर्टाइजिंग जो है यहाँ पे शो होने लगेगी और इसी के साथ ही हम धीरे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक नई चीज समझ में आई होगी और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एड प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूं मैं। जैसे हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे यहाँ पे व्हाट्सअप बटन यहाँ पे दिख रही हुई, यानी कि जैसे ही हमारी स्पॉन्सरशिप वाली एडवर्टाइजिंग स्टार्ट होगी और बहुत से लोगों को जब भी फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमारी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट दिखने लगेगी लोगों को तो यहाँ पे एक व्हाट्सअप बटन दिखेगी। जैसे यहाँ पे व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो व्हाट्सअप में बना हुआ है उस पर आसानी से हम ऑडियंस को कनेक्ट कर सकेंगे और हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में लोगों को बता सकेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़िया ऑप्शन हमें फेसबुक के थ्रू मिल जाता है। इसी के साथ ही चलिए थोड़ी चीज कुछ चीजें हमें फिल करनी होती है। जैसे प्राइमरी टेक्स्ट की बात की जाए तो प्राइमरी टेक्स्ट आप जो स्पॉन्सर है उसके नीचे ही आता है, यानी कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको यहाँ पे सोच समझ कर ही लिखना होता है। जहां से हम लिख सकते हैं हमने जो पीडीएफ बनाई जो पोस्ट डाली उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिख देते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉपर नोट्स 2022। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी नोट्स में भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इजी तरीके से देख सकते हो। इसी के साथ ही आप ऐड ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो कुछ रिमूव करना या फिर कुछ एक्शन जो प्राइमरी टेक्स्ट में लिखना बहुत जरूरी होता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत ही जरूरी होती है। जो टेक्स्ट सजेशन हमें बताया हेलो एवरीवन आवर न्यू वेबसाइट या प्रोडक्ट ब्रांड, ऐसे कुछ भी ऐसी नेम मेंशन आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बहुत इजीली तरीके से टैग जो हमारा पोस्ट बना है उससे रिलेटेड अगर हम चीजें लिखेंगे तो लोगों को और अच्छी चीजें समझ में आने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि हम कैसे चीजों को लिख रहे हैं और कैसे लोगों को समझा रहे हैं ताकि एक बढ़िया तरीके से लोगों को समझ में आने लगती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन पूरी फिल कर दी है। तो आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी टेक्स्ट में जो है यहाँ पे दिखा गया है क्रैक यूपीएससी एग्जाम 2022। इसी के साथ ही हम हेडलाइन का यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हेडलाइन में हम क्या लिखें, चैट विद अस या फिर हम कुछ भी और लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट्सअप मैसेज में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सजेस्ट ऑलरेडी बताया गया है तो आप ये चीजें नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी ये व्हाट्सएप का पेज है, तो आपको यहाँ पे लिख सकते हो मैसेज नाउ। इसी के साथ ही यहाँ पे चीजें चेंजेस होने लगती है। इसी के साथ ही आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना बहुत जरूरी होता है, तो चलिए हम थोड़ी सी कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं वी प्रोवाइड
वी प्रोवाइड प्रॉपर नोट्स 2022। इसी के साथ ही आप चीजें देख पा रहे हो किस प्रकार से हमने चेंजेस करी और इस तरह से यहाँ पे भी हमारा फेसबुक फीड्स के एड प्रीव्यू में चीजें चेंजेस होने लगती है। तो आप देख पा रहे हो कि अभी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा होगा, बट धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तो आपको चीजें यहाँ पे दिखने लगेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैसेज नाउ की हमने बटन यहाँ पे लिखी थी, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने कहाँ से लिखी थी। तो आप इसी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे हमने एक हेडलाइन पे यूज करके और आसानी से मैसेज नाउ कर दिया। इसी के साथ ही अब हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे दिया गया ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन। आप इसी तरीके से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी डिसेबल है हम चाहे तो इजीली इसको एबल भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर्सन का मतलब यह होता है कि व्हेन इट इज लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, जब आप चाहते हो कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, अलाउ टेक्स्ट टू स्विप बिटवीन फील्ड्स सच एज शोइंग योर हेडलाइंस एज प्राइमरी टेक्स्ट। आप चाहते हो कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्स्ट पर टेक्स्ट यानी कि जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो पर्सन को लोग उसे इंप्रूव करें, परफॉर्मेंस को यानी कि बेटर होती है जब इस प्रकार की चीजें आप लिखते हो, तो स्विंग करती है आपके हेडलाइन वो भी प्राइमरी टेक्स्ट में। तो आप चाहते हो कि आपकी जो हेडलाइन है वो प्राइमरी टेक्स्ट में दिखे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस होने वाली है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंजेस हो गई है और ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी होती है। अब जैसे कि कॉल टू एक्शन की बात आती है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेज की जो बटन लगा दी है, तो ये बटन जब ही अलाउ होती है जब हम इसे ट्रैफिक में चूज करते हैं कि हमें कौन सा ट्रैफिक हमारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन या फिर हम व्हाट्सएप या मैसेंजर पर लाना चाहते हैं। इसी के बाद ही कॉल टू एक्शन में हमारी व्हाट्सएप बटन ऐड हो जाती है। इसी के साथ ही आप ट्रैक कर सकते हो वेबसाइट इवेंट के साथ ही चीजें, कुछ चीजें आप सेटअप कर सकते हो। इसी के बाद लास्ट ऑप्शन जो होता है वो इसी तरीके से पब्लिश करने का होता है। आप पूरी चीज समझ गए होंगे स्टोरी एंड रील्स में किस प्रकार हम चीजें देख पा रहे होंगे, एड प्रीव्यू हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि कैसे हम फेसबुक एड्स की हेल्प से आसानी से लीड जनरेट कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप में। तो ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो जैसे कि हमने आपके लिए प्रीव्यू करने के लिए हमने यहाँ पे स्टोरीज के लिए थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे चीजें होती हैं, और आप समझ जाए होंगे कि किस प्रकार से हमें जब भी व्हाट्सएप पर अपनी लीड जनरेट करनी है तो हम फेसबुक एड्स की हेल्प ले सकते हैं और इजीली तरीके से हम आसानी से लोगों को अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज भेज सकते हैं। तो आई होप कि आप पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसी के साथ ही आप पब्लिश पर क्लिक करके इजीली तरीके से आप कंप्लीटली कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है पेमेंट ऑप्शन का। तो आप आसानी से पेमेंट ऑप्शन की वीडियो भी हमने बहुत बार बना चुकी, तो आप उसमें देख सकते हो कि किस प्रकार हम पेमेंट ऑप्शन का यूज करके इसी तरीके से एक बढ़िया एडवर्टाइजिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए, और जिससे कि आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज जो है इंप्रूव होने के साथ साथ लोगों को भी पहुंचने में हेल्प होती है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि हमारी पब्लिशिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसी के साथ पूरी तरीके से हमारा जो एड्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रैक्टिकल तरीके से एक बढ़िया फेसबुक एडवर्टाइजिंग का यूज करके आसानी से अपने व्हाट्सएप पर सर्विसेज और प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप इसे जरूर प्रैक्टिकल तरीके से करके जरूर देखोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।